ने ज्वाइंट ऑपरेशन में अवैध हथियार तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने बाद बरियारपुर थाना इलाके में ऋषिकुंड जंगल में सर्च अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने चार हथियार तस्करों को धर दबोचा। इन तस्करों के पास से 5 पिस्टल, 6 मैगजीन और हथियार बनाने के उपकरण बरामद किया गया है। साथ ही 6 बेस मशीन, 2 मोबाइल और 1 ऑटो जब्त किया गया है। गिरफ्तार लोगों से पुलिस और एसटीएफ की टीम पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि अपराधियों की नियत पंचायत चुनाव में इन हथियारों का इस्तेमाल करने की थी। जी, मुंगेर पुलिस और एसटीएफ के ज्वाइंट ऑपरेशन से अवैध हथियार तस्करों को पकड़ा गया है। इन लोगों को गुप्त सूचना के आधार पर इनकी गिरफ्तारी की गई है। इस सर्च अभियान में पुलिस ने कई चीजों को जब्त किया है, जिसमें 6 मैगजीन, हथियार बनाने के उपकरण और साथ ही साथ बेस मशीन और मोबाइल और ऑटो भी जब्त किए गए हैं। बताया जा रहा है कि इनकी नियत पंचायत चुनाव में हथियारों के इस्तेमाल करने की थी। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता गौरव मिश्रा। जी गौरव, इस छापेमारी में क्या कुछ मिला है अब तक? देखिए, एसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो को जो है सूचना मिली थी कि ऋषिकुंड के जंगल में जो है कुछ हथियार का निर्माण हो रहा है, जिसको लेकर के जो है बरियारपुर थाना क्षेत्र के ऋषिकुंड में जो है वहां पे छापेमारी की गई एसटीएफ और पुलिस की टीम के द्वारा। उसमें जो है 5 अर्धनिर्मित पिस्टल, 6 मैगजीन और जो बनाने के पार्ट पुर्जे, बेस मशीन, स्प्रिंग और भी जो भी सामान थे वहाँ बनाने के, वो रंगे हाथ पकड़े गए। अब जो है एसटीएफ जो है पुलिस पूछताछ जो है सभी अभियुक्तों से पूछताछ कर रही है। ये बात किस हद तक सच है कि कहा जा रहा है कि पंचायत चुनाव में इन हथियारों का इस्तेमाल होना था? देखिए, मुंगेर जो है हमेशा से हथियार के लिए सुर्खियों में रहा है और मुंगेर जो है हथियारों के लिए गढ़ भी माना जाता है। तो यहाँ पे आए दिन जो है हथियार का निर्माण होता रहा है। पहले जो है शहरी क्षेत्र में होता था, उसके बाद जो है अब पुलिस के खौफ से जो है दियारा क्षेत्र में और साथ में जो है जंगल में जो है अब इसका निर्माण होने लगा है। ऐसी कोई बात नहीं है कि ये अभी का ही ये ऐसी घटना है, लेकिन जो है आए दिन जो है पुलिस लगातार छापेमारी इसको लेकर के करती आ रही है और पुलिस को भी सफलता मिल रही है। जी, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया।